अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे। संडे का दिन था आज और मैं अभी उठ चुकी थी, 1:30 बज रहा था। तो 1:30 बजे हमारा नाश्ता भी तैयार हो चुका था। 1:30 बजे उठाया हमने, दोपहर का चावल बनाए हुए थे, धो दिए, किचन जो है ऊपर से साफ़ हो गया, बाकी हमारी सफाई रह गई। अभी मेरी बहन मदरसे से पढ़ के आ गई, वो सफाई वगैरह करेगी। सफाई करने का टाइम हो चुका था, वो सफाई करने लग गई थी और यहाँ से झाड़ू वगैरह कर रहे थे। वो ये देखें कह रही थी मुझे नहीं लाना, यहाँ से गद्दा वगैरह साफ़ कर दिया था, यहाँ से भी जगह साफ़ हो चुकी थी, गद्दा वगैरह सेट, कपड़ा वगैरह भी सेट कर दिया था हमने यहाँ पे। तो मैं जो ऊपर खड़ी हुई थी, टहल रही थी और वो जो है ना सफाई कर रही थी। यहाँ से ऊपर से सारा मल कपड़े वगैरह से हमने सीमेंट वगैरह लिए और प्याज वगैरह पड़े हुए थे कोने में, यहाँ हवा पर रखे हुए ख़राब ना हो जाए। और उसके बाद मैं जा रही थी इधर किचन की तरफ, तो यहाँ बाहर आई तो फिर ये लोग करेला काट रहे थे, आज हम करेला सब्ज़ी बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत इनको तंग किया, तो मैंने कहा हम भी ऐसे बैठे, वो कहती तुम लोग सो गए ना तो फिर हम भी ऐसे वीडियो बना दिया करें। यहाँ जुनैरा भी बैठी हुई थी, साथ साथ करेले साफ़ करवा रही थी, इसको बहुत शौक है सब्ज़ी वगैरह काटने का। यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी सफाई वगैरह रह गई, यहाँ से करने वाली थी तो मैं इनको तंग करती। यहाँ दो बंदे होते हैं फिर भी सफाई। अंडा लेने जा रही, क्या लेने जा रही है, क्या लेने जा रही है ए फांद्री? अच्छा और 10 तेरे सारे बाल फैले में तेरे, नहा ले बाल जिन बनी हुई। घर में इतनी गंदगी है, हमारे चावल खाने का तरीका, ये मेरी बहन का तरीका। कह रही है एक दिन की छुट्टी होती है, वो भी मुझे सफाई करनी पड़ती है। ये हमारी गली है, सामने लोग घर बना रहे हैं। मैं खिड़की से आप लोगों को दिखा रही हूँ, मुझे लगा पता नहीं क्यों गेट बंद किए हुए थे, इन लोगों की वजह से बंद किया होते खिड़कियाँ। रेस्ट कर लिया है और हमारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और ये अभी खाया पिया फिर हजम हो रहा है और मैं अभी पानी पी लूँ क्योंकि मुझे प्यास भी बहुत लगी है। यार आज मुझे लग रहा है मैंने चाय नहीं पी, मुझे दूध चाय भी नहीं दिया, ऐसा लग रहा है पी तो थी पर मेरा दिल नहीं, ऐसा लग रहा था नहीं पी। तो मैंने कहा मैं फिर से अपनी चाय बना लेती हूँ, दूध निकाला फ्रिज में से। तो मैंने इतना बड़ा बर्तन ही लिया, इस कटोरे में मुझे चाय बहुत हो जाएगी। तो डाल ही है सिर्फ, ये दूध ही डाला है मैंने और ये जो है ना बर्फ़ की तरह जम गया है, अब ये पिघल भी जाएगा, मुझे लग रहा है पूरा भी नहीं आ रहा। मैंने चाय रख दी है अपने लिए और संडे का दिन था, कुछ खास होना चाहिए, लेकिन हमारा जो नाश्ता भी था ना 1:30 बजे हुआ है, वो भी चावल के साथ। और काम पे तो हम बहुत खाते हैं, 2-3, अब मेरा वैसे भी इतना दिल नहीं करता, बहुत कम खाने लग गई हूँ, पहले बहुत खाती थी बीच के दिनों में। अब तक यहाँ हमारा दूध बॉइल होता है, मेन बात बताऊँ गैस खुला हुआ था लेकिन उसको आग नहीं लगी थी, शुक्र है बच गई। मुझे लगा मैंने दूध रख दिया लेकिन चूल्हा तो जल ही नहीं रहा था, गैस की स्मेल आने लगी, मैंने उसको फौरन ही बंद कर दिया। अभी मैंने दूध रख दिया और अभी जाके वो गीला था ना उसका, तो आग नहीं लगी थी, अभी दोबारा से मैंने जलाया तो जल गई, अभी हमारी चाय वगैरह बन रही है। जब तक दूध बॉइल होता है मेरी सिस्टर ने पानी मांगा है, मैं पानी दे के आती हूँ। करेले काट रहे हैं, वहाँ चाय बन रही है, को बॉइल आ रहा है। पहले मैं इस दूध को अच्छी तरह से पका लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चीनी और पत्ती डालूँगी। हमारा दूध उबाइल हो चुका है, देखो मैंने आँच हल्की की हुई है। कभी नहीं खत्म होगा, हर चीज में काई चीज देखें, ये देखें, ये देखें, ये हम पत्ती डालने लगे हैं। बाबू रख,
किसमें खाए पत्ती भी लगता है खत्म हो गया। तो आज हमारी पत्ती खत्म हो चुकी थी, फिर सुबह सुबह जो ये पूड़ियाँ ही लेके आ गए हैं 10-10 रुपए। सस्ता जो है सामान मिल जाएगी, पत्ती वगैरह अभी ख़त्म हो चुकी थी तो अभी और सुबह ये वाली ले आई थी। और ये मेरी बहन अंडा लेके आई है, कह रही मुर्गी ने अंडा दिया है, कौन थी लेके आई, तो अभी हम इसमें पत्ती सही से खोल के डाल दी। अभी काम थी, अभी मेरी सिस्टर और भी सामान लेने जाएगी तो अभी इसमें और पत्ती डाल देते हैं। चल ले पत्ती डाली ये का। अब हम चीनी डालने लगे हैं, तो पत्ती अभी भी मुझे कम लग रही है। चलो जब तक वो बन दिए तो उसके बाद हम पत्ती का रंग देखते हैं कैसा है, फिर मजीद और डाल देंगे। करेलों को तो करेलों को मैं नहीं खाती, जो कि मैं बहुत शौक से खाती हूँ, जो कि तुम नहीं खाती वो हम खाते हैं। जब तक हमारी चाय भी बन जाएगी, मेहनत बहुत है इस करेले में, काट काट के काट काट के बंदा घस घिस जाए। करेले अपनी मेहनत आ जाए, मारते तो बंदा फेमस होता ना, हम चपले मारते हैं। लड़ रहे मेरी सिस्टर ने जो है ना इस वाले को ऐसे और दिखाने दे बहन, इस वाले को ना इसने ऐसे रखा, पता नहीं अकेले इसने खाना होगा जो इसने ऐसे रखा, बाकी सारे काट लिए और इसने बाकी को ऐसे रखा। अभी इसको नमक लगा दिया, बहुत देखे और भी है, ये देखें ये तो दो मुँह वाली है, तू कहाँ गया है ये वाले, ये करेला देखें गाइस, ये करेला, इस करेले में दम है बड़ा, आप लोग गलत मत समझिएगा। ओहो वाकई आज मुझसे चाय गिर गई है, आज मेरी खैर नहीं बेटा, आज चाय गिर गई है, आज मेरी खैर नहीं है। चाय थोड़ी कड़ा कौन चाहिए, थोड़ा नमक लेके आ, नमक वाली चाय बने। बेटा चाय गिर गई है, मेरी क्लास लग जाएगी, कपड़ा कहाँ है। वो देखे कैसे दर्द हो रहा है पाँव में, और टाफी खाने का तरीका देखे। हाय बेबी बेबी, दांत पीले मुंह नीला, हलवा कहाँ है जा रहा है, इसमें जायका नहीं है, और वो कह रही इतना सारा क्यों दिया, का कचरा पड़ा हुआ है, ये हमारा जो है मिसाला आया पड़ा है, नजर आ रहा है नहीं आ रहा होगा, टमाटर वगैरह जो रोज की रूटीन के साथ आता है। मेनू चाय देखने जा रही हूँ, चाय हमारी बन के रेडी हो चुकी थी, मैंने पीने के लिए कप में डाल लिए, चाय पीने लगी हूँ। और क्या अंडे की सर पे मिक्सचर बनाई गई थी लगाने के लिए, लेकिन वो गिर गया, अब जगह साफ होगी, चलो जगह साफ करो। बेचारी रो रही है, इसके पाँव में दर्द हो रहा है ना, पाँव में दर्द हो रहा है, कहाँ पे दर्द हो रहा है दिखा, पाँव में दर्द हो रहा है इसको, यहाँ पे राठ वगैरह लगे थे ना, तो अभी इसको हम कहते भी हैं काम चला करो तो ये काम नहीं चलती। तो उसकी वजह से ना अभी निकले थे तो 6 महीने, तो अभी 1.5 साल हुए, तो अभी इसकी तबीयत बहुत मतलब कि अब चलती है तो फिर ज़्यादा दर्द होता है, तो इसकी राठों का मसला था, ट्रेन आता हुआ था, तो इसकी वजह से अभी ये जब भी चलती है इसके पाँव में मज़ीद दर्द होने लग जाते, इसकी ये जगह देखें आप, ये देखें निशान नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, इसकी इस आँख में भी यही मसला है, ये आंख दिखाओ बेटा, करेले को नमक लगा के रख दिया, अभी इसने जो है देखा पानी छोड़ा हुआ है, सिर्फ अभी नमक लगा के रखा हुआ है, इसके बाद पहले इसको हम फ्राई करेंगे फिर इसको बनाएंगे।
यहाँ जो हम अभी प्याज काट रहे थे सालन के लिए, करेले में प्याज डालने थे ना, इसलिए प्याज काट रहे थे। करेले जो हमने यहाँ धो के रख दिए वो फ्राई होंगे, और हमारा मसाला जो है तैयार हो रहा है। ये देखें, हमने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वगैरह डाल दिया ऑयल में। मसाले भी अभी डालने लगे हैं। सालन बन चुका है, ये देखें करेले और प्याज, करेला प्याज बनाया आज हम लोगों ने।